विकास पर आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बड़ी जानकारी देंगे। झारखंड में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का आवेदन अब आप आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 2023-24 के लिए। ठीक है, 2023-24 के लिए आवेदन, यहाँ पे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का आवेदन शुरुआत हो चुका है। तो प्री मैट्रिक में आपकी किस क्लास से लेकर किस क्लास तक आवेदन आप कर सकते हैं और कौन कौन से कास्ट के लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं झारखंड में, इसी के बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले करेंगे छोटा सा रिक्वेस्ट, कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाल रंग के बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी को निशान को दबाइए, ताकि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके 2023-24 के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे झारखंड में एडमिशन ईयर 2023-24 के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ प्री मैट्रिक एप्लीकेशन, ठीक है, ओपनेड यहाँ पे बता रहे हैं, यानी कि ओपन हो चुका है। और इसके लिए आप अपना स्कूल में जाकर के आधार कार्ड ले जाकर के आप आवेदन अपना करा सकते हैं। और पहला क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक जो भी स्टूडेंट हैं उन लोग प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंडर में आते हैं, और जिसमें कि SC ST एंड BC यानी कि बैकवर्ड कास्ट के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं प्री मैट्रिक के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 10वीं से ऊपर का जो भी 11th 12th सब का एग्ज़ाम एडमिशन कराए हैं उन लोग को अभी 2022-23 का ही आवेदन अभी चल रहा है। ठीक है, यानी कि 2022 में जो आवेदन होना चाहिए था स्कॉलरशिप का, वो 2023 में आवेदन कर रहे हैं, यानी कि स्कॉलरशिप पीछे चल रहा है 1 साल झारखंड में अभी पोस्ट मैट्रिक वाले को। ठीक है, और यहाँ पे प्री मैट्रिक का स्कॉलरशिप का आवेदन पहले ही हो चुका था, तो यहाँ पे 2022-23 का, और उन लोगों को पैसा भी मिल चुका है 22-23 का। अब यहाँ पे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का यहाँ पे 2023-24 का आवेदन होना शुरुआत हो चुका है। तो आप अपना स्कूल में आप अपना संपर्क कीजिए, जा करके वहाँ पे आवेदन आपका होगा। खुद से यहाँ पे प्री मैट्रिक का आवेदन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्कूल के लॉगिन आईडी के द्वारा स्कूल से किया जाता है प्री मैट्रिक का आवेदन। ठीक है, आप अपना स्कूल में जा करके अपना आधार कार्ड ले जा करके आप अपना आवेदन करवा सकते हैं। और बहुत सारे टीचर लोग का मालूम भी नहीं होगा कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023-24 का आवेदन स्टार्ट हो चुका है, तो आप एक बार अपने टीचर्स को बताइए कि यहाँ पर स्टार्ट भी हो चुका है प्री मैट्रिक आवेदन होना। ठीक है, प्री मैट्रिक आवेदन आप खुद से नहीं कर सकते हैं, पोस्ट मैट्रिक आवेदन स्टूडेंट खुद से अपना कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पोस्ट में प्री मैट्रिक के लिए स्कूल लॉगिन आईडी से होता है। तो आप अपना स्कूल में जाकर के एक बार संपर्क कीजिए, पहला क्लास से 10वां क्लास तक के आवेदन 2022-23 के लिए, सॉरी 2023-24 के लिए आवेदन यहाँ पर होना शुरू हो चुका है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको अगर मिलता रहे। मिलेंगे नई जानकारी के साथ आपका दिन शुरू।